हेलो गाइस, टशिदर है एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तंजिम्स ऑफिशियल। तो मैं आज तेजपुर आया हूं, तो मैं आपको ऐसे एक शख्स से मिलवाना चाहता हूं जो 1970s में वो दोहों में रह चुके हैं और वहां का वातावरण और वहां का डेवलपमेंट के बारे में वो काफ़ी आपको बताएंगे। तो ये शख्स हमारे रमेश जी है, तो आप लोग सब इसको पहचानते होंगे। तो काफ़ी अभी भी इसका एज हुआ है 75 कुछ हुआ है, फिर भी अभी भी इतना यंग और एनर्जेटिक है। तो आज हम डिनर भी रमेश जी के साथ करेंगे। तो रमेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप 1972 तब तवांग में आप आया था, तो उस समय में तवांग का स्थिति और तवांग कैसा देखता था, कैसा था उस समय? तवांग कुछ भी नहीं था, सब कुछ बहुत खराब था। आपका हम तेजपुर से 4 टन माल लेके जाता था। अच्छा। 15 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन, 20 दिन रास्ता ब्लॉक हो जाता था, खाने पीने के लिए तकलीफ था जी। हम लोग गाड़ी में खुद स्टॉप रखता था, लेबर कैंप में जाके खाना बना के खाता था, लेबर से रास्ता खुलता था, बहुत टाइम लगता था, बहुत मुश्किल था। तो दवा में जैसे तैसे पहुँच जाता था, तो जी जी रमेश जी, इसमें आपका जब यहाँ से आप तेजपुर से तवांग में जब चावल वगैरह लेके जाता था, तो तेजपुर से तवांग पहुँचने में आपको कितना समय लगता था, कितना दिन लगता था आपको? 15 दिन, 10 दिन, हफ्ता दिन ऊपर जी। हफ्ता दिन इसका मतलब आप 15 दिन 20 दिन आप घर वालों से बाहर रहते आप? 15-20 दिन लगता था। रास्ता में रास्ता ब्लॉक हो जाने से जी, फिर हवाई जहाज से ट्रैवलिंग करता था। अच्छा। तो हम लोग का गाड़ी से चावल घोड़ा लोग लेके जाता था। अच्छा। तो फिर जगह जगह मुक्ता रोड हो गया, द्वार हो गया जी, सब जगह में शेरू बस्ती हो गया, राव बस्ती हो गया, गुमला हो गया, ये सब में सब घोड़ा परचेस करता था। जी जी। अच्छा रमेश जी, तो एक बात आप बताइए कि तवांग में उस समय में सबसे पहले अगर छोटा गाड़ी से हम लोग को बताया जाए, तो सबसे पहले गाड़ी कौन लिया होगा, छोटा जो दो पहिया वाला 2-व्हीलर सबसे पहले कौन लिया होगा? अच्छा, जंग का ना, जंग का छोपा साहब जी जी, बुलेट लिया। अच्छा, तवांग में, ऑल तवांग में ना जी जी, फास्ट बुलेट। ओके, तो उसमें अभी रमेश जी ऐसे है जो आप ट्रक चला रहा था, तो तवांग में उसमें भी यही था होगा कि सबसे पहले ट्रक कौन लिया था तवांग में? तवांग लाव बस्ती पेमगम्बुरा। अच्छा, पेमगम्बुरा। जो आपसे बात करते करते काफ़ी इंटरेस्ट लग रहा है हमको, तो आप बताइए कि उसमें जो उसमें तो हमारा घर का स्थिति वहाँ तो ज़्यादातर पत्थर का घर था, तो आप यहाँ से लोड बुकता था, तो सीमेंट वगैरह भी ले गया होगा? जी जी। अच्छा अच्छा, तो उसमें सबसे पहले सीमेंट यानी कि आरसीसी बिल्डिंग कौन बनाया होगा तवांग में? अच्छा, वो भी पेमगम्बु जी तवांग में ना। थैंक यू रमेश। अभी तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जैसा हो रहा है। अच्छा, दार्जिलिंग जैसा ना। अभी तो रोड बहुत अच्छा हो गया है जी। हम लोग के समय में बहुत तकलीफ था, फाकी बहुत फाकी जी, फाकी से रास्ता में चल ही नहीं पाता था, सिला ट्रॉप में हम लोग बहुत फंसता था, बर्फ गाड़ी भरती बर्फ, और टायर पंचर होने से हम लोग अपने से हार्ड पेस लगा के फिर पाँव से पंप भर के एकदम 60-70 हवा भर के उसको लेके जाता था। गाड़ी में 4 टन माल चल रहा था। अच्छा, खाली 4 टन? खाली 4 टन जी। अच्छा, उसमें टाइम गाड़ी नहीं था। हाँ। सब मेरे ही गाड़ी में डाला में होने से भी बच के जाएगा रमेश जी, आपके पास नहीं जाएगा, और हम लोग की गाड़ी आई नहीं। भाड़ा 30 रुपीज था। 30 रुपीज ओनली? ओनली 30 रुपीज। अच्छा। उस टाइम में खाना भी 4 आना 8 आना 12 आना था जी। खाना का दाम डीजल पेट्रोल 12 आना लीटर था। अच्छा, तो मुझे एक बात इसमें मुझे याद आया कि उस समय में आपका पेट्रोल पंप था कि नहीं था? पेट्रोल पंप एक था भाले पंप में था। अच्छा, तो वहाँ से आप कैसे चला जाता था? एक बार भरने के बाद तवांग तो नहीं पहुँचता था? नहीं, तो फुल टैंक करता था, रास्ता में शॉर्ट होने से लेबर कैंप से हम लोग को मिल जाता था। अच्छा, ब्लैक में डीजल जी जी जी, उन लोग को कोई आर्मी देता होगा।
तो हम लोग रास्ता में भी परचेस कर लेते हैं डीजल जी, एक 20 लीटर का 10 रुपये 12 रुपये जी। तो रमेश जी, आप अभी आप तवंग जा चुके हैं, अभी फिर भी आप तवंग ही अभी ऐसे एज में भी, तो अभी कैसे लग रहा है आपको तवंग को देख के? अभी तो हम तो दार्जिलिंग गैंगटॉक जैसा लग रहा है। तो आप आपको कैसे फील हुआ जब इतने साल के बाद आप फिर से तवंग गया, तो आपको कैसे फील हुआ रमेश? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका यादें जो ताज़ा हो गया? बहुत अच्छा लगा। बहुत रोड, हमारे समय में रोड सिग्नल था जी, कच्चा रोड था। हाँ जी, हम लोग को बहुत टाइम लगता था गाड़ी में, गाड़ी में रोक रोक के पानी डाल के गाड़ी में चलना पड़ता था जी। 10 किलोमीटर चलने से हम लोग गाड़ी में पानी डाल जी, एक दो ट्वीटर। सब आर्मी भी मेरे गाड़ी में आने के लिए आता, सब छोटा पानी बड़ा पानी सब मेरा गाड़ी में आता, गाड़ी नहीं था ट्रक के लगते उस टाइम में। फिल्म देखने के लिए आदमी लोग पूरा देश पर आ जाता था, अमिताभ बच्चन का फिल्म, शोले फिल्म तथा हम लोग न्यूज तो हम अमिताभ बच्चन फिल्म का, अच्छा अमिताभ बच्चन ड्राइवर का हीरो रमेश छेत्री, अच्छा ठीक 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 बहुत अच्छा। रमेश कई गाड़ी में जाएंगे, जितना लड़के लोग भी है मेरे गाड़ी में, जितना मैडम लोग भी है मेरे गाड़ी में, सब रमेश का गाड़ी में जाएगा, और कोई किसी का गाड़ी भी नहीं था मेरे गाड़ी में जी। आगे पीछे जो भी हो डाला में हो, सीट हो, सीट तो पहले बुकिंग हो जाता है, तो पूरा ऐसा करके हम लोग चलता है, हफ्ता दिन भर लग जाता है, सामान बहुत तकलीफ था। अच्छा, इसी बार अपना ये आटा उटा जो बस्ती का है वही सब खाता था, मड़ुआ जी यही सब था, बस्ती का लोकल छान अच्छा लगता था खाने में, बस्ती का खाना भी अच्छा लगता था, पुराना खाना ऑरिजिनल खाना। हाँ, तो लास्ट में रमेश जी आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि जैसे कि हमारा लेट स्वर्गीय दोरजी खांडू जी जो सीएम था, तो उसके बारे में आप कितना तक आपका उससे संबंध रहा है, दोस्ती रहा है आपका? वो बहुत अच्छा आदमी था, दोस्ती तो बहुत पहले से जब आर्मी में था उसमें से छोड़ के कंडक्टर में आया, कंडक्टर से फिर इलेक्शन में आया, इलेक्शन से मिनिस्टर बन गया, चेयरमैन हो गया, उसके बाद मिनिस्टर हो गया, उसके बाद बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा जी जी, बहुत ऐसा साफ अभी तक कोई पैदा हुआ नहीं। अच्छा, इतना अच्छा मिनिस्टर जी जी, सबको देखता था, गरीब को किसी देखता था जी, और सब आदमी गरीब आदमी भी सब साफ को मानता था, साफ बहुत अच्छा। तो अभी फिलहाल हमारे अरुणाचल में पेमा खांडू जी है सीएम, पेमा खांडू, तो उसके बारे में आपको क्या राय है? वो भी उनका भी लड़का है, साफ अच्छा ही है, सब पूरा अच्छा, साफ से भी हाँ। साफ जितना कर रहा है वो उससे डबल कर रहा है जी जी, सब गांव वाला भी खुश है जी, सब उनके चाहता है, वो सब गांव को देखता है जी, जितना पब्लिक है सब उन्हीं का ऊपर में है जी जी, जितना पब्लिक सब उन्हीं का ऊपर। तो दोस्तों, आप लोग देख चुका होगा जो हमारे सामने जो बैठा है, तो यही है रमेश छेत्री जी। तो इन्होंने बताया अपना एक कहानी बताया, एक जीता जलता एक आपका सामने में जो इंसान बैठा है, तो ये शख्स आपको बताया कि यहाँ से जब तवंग में एक लोड लेके जाता था तो ट्रक में भी चार टन बुके जाता था। तो रमेश जी, आजकल एक ट्रक में कितना टन बुके जाता है? 20 टन 22 टन 20 टन 22 टन। तो देखिए कितना डेवलप हुआ है हमारा तवंग, और यहाँ के बीच का जो रास्ता है काफ़ी डेवलप हो चुका है। तो रमेश जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा हमको, क्योंकि जब हम लोग छोटा था उस समय में हमको भी याद था कि रमेश जी, तो आज मैं आपसे इसलिए मिला हूँ क्योंकि हम काफ़ी छोटा था उस समय में, लेकिन अभी भी याद है कि रमेश आपका एक गणेश हुआ करता था, जंग में गणेश हुआ करता था, गणेश द्वंग भी था जंग में जी जी, उसके बाद सीढ़ी चला गया पुराना घर जी। तो रमेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। तो जितने भी मेरे यूट्यूब में जो सब्सक्राइबर है, जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, मैं करूँगा कि आप लोग हमारे रमेश जी का और भी लंबा आयु के लिए और भी ना हो, इस तरह से आप लोग भी प्रार्थना कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल धनजिम्स ऑफिशियल। तो रमेश जी, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।